कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता व वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कलायत में मंगलवार को सरकारी व निजी अस्पतालों में पीपीई किट, मास्क व सैनिटाइजर बांटे। इस मौके पर सुरजेवाला ने कहा कि भारतीय संस्कृति में मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है और पार्टी इसे तन मन धन से निभाने में लगी हुई है। इसके तहत जिले में ढांड, कलायत, घुलाचीका व सीवन में जाकर सैनिटाइजर बांटे गए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता कोरोना महामारी के प्रति आम जन को जागरूक कर रहे हैं। सत्ता में रहते हुए भी भाजपा जजपा सरकार सेवा के इस भाव से पूरी तरह उदासीन बताई गई। कोरोना संकट के बीच भाजपा के मंत्री, सांसद, विधायक व पदाधिकारी अपने अपने घरों में दुबके बैठे हैं। कोविड 19 के दौरान लोगों को सुविधाएं देने के बजाय सरकार खुद के खजाने भरने में लगी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को कांग्रेस की ओर से प्रदेश में चलाई जा रही मुहिम से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस संकट की घड़ी में प्रदेशवासियों की सहायता के लिए अपने हाथ भी आगे बढ़ाने चाहिए। कलायत से न्यूज वन हरियाणा के लिए रणदीप धानिया की रिपोर्ट। और एक लाइन में अगर मैं इसे सारगर्भित करूं आपकी बात को, अब तो है ये इंतजार कब होंगे घोटाले 75 पार। खट्टर सरकार जब से आई है, भाजपा जजप्पा सरकार ने जब से काम संभाला है, हर रोज एक नया घोटाला है। अब तो है ये इंतजार कब होंगे घोटाले 75 पार। शराब घोटाला, चावल घोटाला 1, चावल घोटाला 2, रजिस्ट्री घोटाला और होमगार्ड भर्ती घोटाला, पीटीआई पेपर आंसर की बेच घोटाला, हर रोज एक नया घोटाला सामने आ रहा। आईटीआई इंस्ट्रक्टर पेपर बेच घोटाला, पब्लिक सर्विस कमीशन में डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर अपॉइंटमेंट घोटाला, कभी आपने ये सुना हो? मैंने तो नहीं सुना और आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, साल दो साल। डीपीआरओ का रिजल्ट निकालती है पब्लिक सर्विस कमीशन लगभग 18 या 19 दिन के बाद, पहले एक रिजल्ट निकालते हैं, एक घंटे बाद दूसरा रिजल्ट निकाल देते हैं। पहले वाले रिजल्ट में जो पास है वो फेल हो जाते हैं, जो पहले रिजल्ट में फेल है वो पास हो जाते हैं, पहले रिजल्ट में जो सेलेक्ट है वो खारिज हो जाते हैं, पहले दूसरे रिजल्ट में जो पास है वो पहले रिजल्ट में खारिज माने जाते हैं। ये सरकार है कि कोई जंजाल भ्रष्टाचार का। रणदीप जी, आपकी मुखरता है केंद्र में।